हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको प्रेस्टीज टाइफून 5 का ब्लोअर फंक्शन और साथ में वेट क्लीनिंग का डेमो। तो क्या एडजस्टमेंट्स आपको लगाने हैं, किस तरीके से लगाना है, आइए देखते हैं। तो ब्लोअर फंक्शन को यूज़ करने के लिए पाइप को आपको ऊपर वाले होल में एडजस्ट करना है, जो कि अपर पार्ट यानी कि रेड पार्ट में दिया गया है, वो आपका ब्लोअर है। फिर उसके बाद पाइप को आपको अपने अकॉर्डिंग लेंथ एडजस्ट करनी है, जितना भी आपको लेंथ चाहिए उतने पाइप्स आप इसमें लगा लीजिए, जो भी आपको एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं। और ब्लोअर को यूज़ करने के लिए आपको जो यूज़ करना है वो है ब्लोअर अटैचमेंट। और ब्लोअर अटैचमेंट इस तरह का कुछ दिखता है, ध्यान से देख लें, और इसको यूज़ करने पे ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आइए देखते हैं। तो आपने देखा ब्लोअर अटैचमेंट के साथ क्या रिजल्ट्स मिलते हैं और बगैर ब्लोअर अटैचमेंट के कितने डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है आप इस के साथ जब भी ब्लोअर यूज़ कर रहे हैं तो ब्लोअर अटैचमेंट का ज़रूर से इस्तेमाल करें। और काफ़ी आसान है इसकी बास्केट साफ़ करना, सिंपली ओपन कीजिए और इसे डस्टबिन में डाल दीजिए। इस वैक्यूम क्लीनर में डस्ट बैग नहीं दिया है, जो कि काफ़ी बड़ा एडवांटेज है, और आपको बार बार पैसे नहीं खर्च करके डस्ट बैग नहीं परचेज़ करना है, तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और अब देखते हैं वेट क्लीनिंग। आपने देखा कि किस तरह हम इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम बताएंगे कि हेपा फिल्टर को रिमूव कर लें वेट क्लीनिंग करते वक्त। साथ में इस सारे फंक्शंस के लिए इसमें सिंगल स्विच दिया है जो वाटरप्रूफ है, तो बगैर किसी डर के आप इसे पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें।